वेलकम एवरी वन एंड वेलकम बैक टू के पीज ब्लॉग। खातिन हज़रात, 25 नवंबर को एक ग्लोबल कैंपेन स्टार्ट हुई विच इज़ कॉल्ड एज 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म अगेंस्ट जेंडर बेस्ड वायलेंस। हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान में द नंबर ऑफ वुमेन और गर्ल्स दैट आर गोइंग थ्रू सेक्शुअल और फिजिकल हरासमेंट इज एक्चुअली वेरी शॉकिंग। बहुत सारी औरतें हैं जो कि तशद्दुद का निशाना बनती हैं, बहुत सारी औरतें हैं जो कि बहुत सारे मसले मसाइल से गुजर रही हैं। बट अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स, जितने भी नए डेटा आ रहे हैं, जितने भी रिपोर्ट्स आ रहे हैं, वो यही साबित कर रहा है कि कोरोना वायरस के आउटब्रेक के बाद स्पेशली बहुत सारे हर किस्म की वायलेंस की अगर हम बात करते हैं अगेंस्ट वुमेन, बट पर्टिकुलरली डोमेस्टिक वायलेंस हैज़ इंटेंसिफाइड, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बहुत सारी औरतों के साथ बहुत जुल्म किया जा रहा है। रिपोर्ट्स डेली के मतलब डेली हम देखते हैं कि न्यूज़ आ रही है, हर किस्म के मसले मसाइल हमें देखने को मिल रहे हैं। लेकिन खातिन हज़रात, आई बिलीव नाउ इज़ द टाइम दैट वी स्पीक अप अगेंस्ट दिस इशू। नाउ इज़ द टाइम कि हम लोग अवेयरनेस स्प्रेड करें इसके अगेंस्ट, एंड नाउ इज़ द टाइम कि हम लोग सोल्यूशंस को प्रपोज करें ताकि इस प्रॉब्लम को इराडिकेट किया जाए। तो खातिन हज़रात, अगर आप लोग भी इस कैंपेन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप लोग बन सकते हैं बहुत आसानी से। ऑल यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू शेयर द सोल्यूशंस, यू हैव टू शेयर योर थाट्स, यू हैव टू शेयर व्हाट यू थिंक अबाउट दिस कैंपेन विद अस ऑन आर सोशल मीडिया साइट्स, और हम मिलकर टुगेदर वी आर गोना कम अप विद अ स्ट्रेटजी टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। पर्सनली मुझे लगता है कि सबसे बड़ा इशू यही है कि हमारी जो फीमेल लिटरेसी रेट है वो बहुत कम है। गर्ल्स और वुमेन इन पर्टिकुलर, दे आर नॉट अवेयर अबाउट देयर राइट्स, दे आर नॉट अवेयर कि कितने ज़्यादा उनके माशरे में अहमियत हो सकती है, दे आर नॉट अवेयर कि उनको कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए अवेलेबल हैं, एंड दे आर नॉट अवेयर अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ बीइंग इंडिपेंडेंट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे माशरे में कि औरतें जो है अपने पाँव पर खड़ी हों, औरतें एजुकेटेड हों, दीनी और दुनियावी तालीम दोनों उनके पास हों। और अगेन आई एम गोना से दैट टू ऑल द मेन हु आर वॉचिंग दिस राइट नाउ, इज्जत करें औरतों की अपने इर्द गिर्द, आपके घर में जो लोग हैं उनकी इज्जत करें, बाहर की औरतों की इज्जत करें। आप लोग की अपनी बेटियां होती हैं, यू नो आपकी अपनी माएँ रह चुकी हैं, आप लोग की बहनें हैं। इसी तरह ऑन द अदर हैंड मैं हमेशा कहती हूँ कि एक बात को जनरलाइज़ नहीं करना चाहिए, औरतों को भी मर्द की इज्जत करनी चाहिए, मर्दों की भी कुछ राइट्स हैं, गिव देम रिस्पेक्ट एंड यू आर गोना गेट रिस्पेक्ट एज वेल। तो जस्ट यू नो वन लास्ट सजेशन दैट प्लीज़ डू टेक पार्ट इन दिस कैंपेन, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स गोना गो ऑन फॉर अ कपल ऑफ डेज। इसके बाद एक बहुत ही मज़े की बात की तरफ अगर हम आते हैं तो स्नैपचैट, जितने भी स्नैपचैट यूज़र्स हैं उनके लिए देर इज़ एन अमेजिंग न्यूज़ फॉर यू ऑल स्नैपचैट लवर्स के लिए, और वो ये है कि स्नैपचैट ने रिसेंटली अपना एक नया जो है टूल अनाउंस किया है, इंट्रोड्यूस किया है, विच इज़ कॉल्ड स्पॉटलाइट। ये एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू जितनी भी वायरल वीडियोस होती हैं, जितनी भी टॉप परफॉर्मिंग वीडियोस हैं, उनको फीचर किया जाता है। लेकिन मज़े की बात यह है कि स्नैपचैट ने यह अनाउंस किया है कि जो लोग भी ये टूल इस्तेमाल करेंगे स्पॉटलाइट वाला और अपनी वीडियोस अपलोड करेंगे, और अगर वो वीडियोस वायरल हुई हैं, वो वीडियोस टॉप परफॉर्मिंग वीडियोस हुई, तो दे कैन अर्न, सो दोज पीपल कैन अर्न अप टू $1 million, विच आई थिंक इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। और दूसरी मज़े की बात यह है कि स्नैपचैट का जो ये टूल है स्पॉटलाइट, इट इज़ फेमिलियर, इट इज़ वेरी वेरी सिमिलर टू टिकटॉक। तो जितने भी हमारे टिकटॉक यूज़र्स हैं जो कि ऑलरेडी वीडियोज़ बनाते हैं, जो ऑलरेडी फेमिलियर हैं कि वीडियोज़ कैसे बनानी चाहिए, उनके लिए बहुत फ़ायदा हो सकता है। सो ऑल द टिकटॉक टॉकर्स आउट देयर, गो यूज़ दैट टूल एंड सी योर लक, मे बी यू कैन अर्न सम मनी, मे बी यू कैन गेट फेमस थ्रू दैट। तो ये बात थी। इसके अलावा खातिन हज़रात, हमें बहुत सारे सवाल आते हैं हमारे सोशल मीडिया टूल्स पे, बहुत सारे लोग हमें सजेशंस देते हैं कि हम इस शो में क्या डिस्कस कर सकते हैं। तो जो सवाल मुझे आया, बहुत सारे सवाल आए लेकिन हमारे पास जैसे कि वक्त कम है तो मैं एक ही सवाल का जवाब दूंगी। वो आया है सलीम हमज़ा से फ्रॉम एबटाबाद, और वो पूछते हैं हाउ टू डिसाइड विच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इज़ राइट फॉर यू। तो दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, थैंक यू सो मच सलीम फॉर आस्किंग दिस। इसका मैं यही कहूँगी कि आजकल हम जानते हैं कि कितने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे पास, हो गया फेसबुक है, ट्विटर है, स्नैपचैट है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, आई मीन देर आर सो मैनी, और ऑन अ डेली बेसिस न्यू डेवलप होते जा रहे हैं, न्यू एप्स डेवलप हो रही हैं, बहुत सारे नई चीज़ें सामने आ रही हैं। सो एट टाइम्स वी गेट रियली कन्फ्यूज्ड कि हमने इस्तेमाल करें तो क्या करें, और या बहुत से लोग लिटरली उनके फ़ोन में इतने सारे ऐप्स डाउनलोडेड होते हैं, देर यूजिंग ऑल ऑफ देम,
जिसकी वजह से मुझे लगता है कि आपका टाइम एक तो बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है एंड देयर इज़ नॉट वन सोशल मीडिया ऐप जिसपे आपका फोकस है. सो इट्स सो इम्पॉर्टेंट कि हम उसको फिल्टर डाउन करें और एक पे फोकस करें और एक ही अकाउंट की को ग्रो करने पे आपका एक फोकस हो, एक डायरेक्शन हो उसकी तरफ. तो अगर हम इसके हवाले से बात करते हैं तो मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि हमें जो है अपने काम को प्रायोरिटाइज करना चाहिए, हमें नैरो डाउन करना चाहिए कि हमने इस्तेमाल क्या, कौन सा सोशल मीडिया टूल करना है, किस वजह से करना है. फॉर इंस्टेंस अगर आप ऐसे यूज़ करते हैं, मज़े के लिए यूज़ करते हैं, यू नो जस्ट टू कनेक्ट विद पीपल, देन यू कैन यूज़ व्हाटएवर यू वांट. बट देन अगेन फेसबुक हमेशा नंबर वन पे होता है, जिसकी तरफ हम बाद में आएंगे. लेकिन अगर हम इसके हवाले से फिर बात करें तो इफ़ यू लुक एट इट फ्रॉम अ बिजनेस पर्सपेक्टिव, तो बहुत सारे जो यूज़र्स हैं वो फेसबुक को ही इस्तेमाल करना प्रेफर करते हैं और वो फेसबुक को इसीलिए करते हैं क्योंकि फेसबुक हैज़ द लार्जेस्ट यूज़र बेस इन द वर्ल्ड. 2 बिलियन मतलब लोग यूज़ करते हैं, 2 बिलियन पीपल यूज़ फेसबुक, विच आई बिलीव इज़ ह्यूज एंड इट्स अ ग्रेट एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म एज वेल. आप अपनी कंपनी को एडवर्टाइज कर सकते हैं, आप बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं. इसी तरह अगर हम लोग इसको और नैरो डाउन करें, लेट्स टॉक अबाउट बिजनेस के पर्सपेक्टिव से ही, अगर आप ट्विटर इस्तेमाल करते हैं, इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म कि आप अपने फॉलोअर्स के साथ कनेक्ट करें. यू कैन आस्क देम क्वेश्चंस, यू कैन शेयर अ लॉट ऑफ न्यूज़, यू कैन शेयर अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन. सो ट्विटर इज़ ग्रेट फॉर दैट. कमिंग टू लिंक्डइन, इट इज़ ग्रेट फॉर B2B बिजनेसेस, इट इज़ ग्रेट फॉर यू टू एस्टैब्लिश योर कंपनी, इट इज़ ग्रेट फॉर यू टू फाइंड पोटेंशियल एम्प्लॉयज और टू फाइंड योर फ्यूचर एम्प्लॉयर. सिमिलरली इसी तरह आप लोग और भी बहुत सारे जितने भी सोशल मीडिया ऐप्स हैं, आप उनका पर्पस देखें. पहले आप अपना पर्पस डिफाइन करें कि आपका गोल क्या है, व्हाई डू यू वांट टू यूज़ इट, एंड इफ़ यू हैव फिगर्ड दैट आउट देन फाइंड आउट द यू नो द डायमेंशंस ऑफ ईच सोशल मीडिया टूल कि उससे आपको क्या बेनिफिट मिल सकता है, उससे आपको क्या फ़ायदा मिल सकता है. इसके अलावा फातिन हज़रात, आज ब्रेक पे जाने से पहले मैं बस बताना चाहूँगी कि आप सब जानते ही हैं कि कोरोना वायरस के सेकेंड वेव आ गए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी बंद हो गए. इसके अलावा बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि दैट इट हैज़ कम आउट टू बी बिगर एंड टू बी मच मोर यू नो इट्स वर्स आई'ड से. तो प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा, बिला वजह घर से ना निकलें. इफ इट्स समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट यू कैन लीव योर हाउस, लीव विद प्रॉपर प्रिकॉशनरी मेजर्स. आप मास्क पहनें, आप सैनिटाइजर इस्तेमाल करें. मेक श्योर कि आप सब अपनी फैमिलीज का भी ख्याल रखें क्योंकि एट टाइम्स यही होता है, जितनी भी नौजवान हैं उनको यही होता है कि नहीं हमें कुछ नहीं होता, हमारे इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, विच इज़ ट्रू टू सम एक्सटेंट. लेकिन जब आप आते हैं घर तो आपके घर में बड़े हैं, आपके पेरेंट्स हैं जो जिनको अफेक्ट हो सकता है आपकी वजह से, जो कि बीमार हो सकते हैं आपकी वजह से, आपकी लापरवाही की वजह से. सो मेक श्योर कि आप उनका भी ख्याल रखें, आप अपना भी ख्याल रखें. और इसके साथ ख्वातीन हज़रात हम चलते हैं एक ब्रेक पे. ब्रेक के बाद हम जब आएंगे सो आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू ऑल. आज हमारे साथ दो बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं. सबसे पहले जो हमारे गेस्ट हैं वो है मोहम्मद महद मलिक, जो कि खैबर पख्तूनख्वा के यंगेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर हैं. इन्हें प्राइड ऑफ खैबर पख्तूनख्वा का अवार्ड भी मिल चुका है एंड ये एक यूट्यूबर भी हैं. इन्होंने इन सच अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम इनके फॉलोअर्स बहुत सारे बढ़ गए हैं. तो हम इनसे इसके हवाले से बातचीत करेंगे. और हमारी जो दूसरी गेस्ट हैं हमारे साथ हैं मरियम अरशद मौजूद हैं, जो कि एक सोशल एंटरप्रेन्योर हैं, एक पब्लिक स्पीकर हैं, एक ट्रेनर भी हैं एंड शी इज़ लीडिंग द गूगल बिजनेस ग्रुप पेशावर दीस डेज. और ये फाउंडर और डायरेक्टर है इम्पैक्ट डायनामिक्स की, जिसके हवाले से हम इनसे बातचीत करेंगे. लेकिन सबसे पहले हम आते हैं महद की तरफ. लेकिन बिफोर दैट थैंक यू सो मच टू बोथ ऑफ यू फॉर कमिंग. इट्स अ प्लेजर, इट्स अ प्लेजर टू हैव यू बोथ. तो महद, आप सबसे पहले तो ये बताएं कि इतनी छोटी उम्र में, इतनी कम उम्र में यू अचीव्ड सो मच एंड यू डूइंग सो सो मच, यू सो मोटिवेटेड. तो आप अपनी जर्नी के बारे में बताएं आपकी यू नो बिहाइंड दिस हु मोटिवेटेड यू. तो सबसे पहले तो नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद, फाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. जो लोग मुझे देख रहे हैं सबको मैं सलाम करना चाहता हूँ. और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हमारे इस दुनिया में जो भी आए जिनकी वजह से मैं मोटिवेट हुआ,
जैसे कि मरहूम ईदी साहब हो गए, और आजकल की जो जनरेशन को जो लोग वो कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो इकरारुल हसन भाई जैसे लोग हो गए। तो ये लोग बंदों को अट्रैक्ट करते हैं। और दूसरी बात कि मैं इस फील्ड में कैसे आया, तो पहले तो मैं मतलब मुझ में शाइनेस नहीं थी, मुझे उस टाइम पता नहीं था कि मतलब मुझ में ये शाइनेस क्यों नहीं है। जब मैंने लोगों को देखा कि वो बात करते वक्त शर्माते हैं लोगों के सामने, तो उस टाइम मुझे पता चला कि मुझ में ये चीज़ नहीं है। तो जब मैं लोगों को फेस करने लगा उस वक्त, तो तब मुझे पता चला कि मैं लोगों को फेस कर सकता हूँ, और मुझ में पहले से ये कॉन्फिडेंस था, और मैं मल्टी टैलेंटेड हूँ, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे सारी फील्ड्स पसंद है। तो बहुत अच्छी बात है, यू आर सो टैलेंटेड, और ये कॉन्फिडेंस जो आपने, ये बिल्कुल आपने सही बात की, ये हर एक के पास नहीं होता है कॉन्फिडेंस। इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज टू कम इन फ्रंट ऑफ अदर पीपल एंड स्पीक। स्पेशली आपने इतने बड़े बड़े फोरम्स पे बात की हुई, इतने लोगों के सामने बात की हुई, आपका यूट्यूब चैनल है, तो हम उसकी तरफ भी आएंगे। लेकिन अब मरियम, अब आपकी तरफ आते हैं। मरियम, आई मीन यू आर सच इंस्पिरेशन फॉर सो मेनी पीपल, देयर आर सो मेनी पीपल इन पेशावर हु लुक अप टू यू, ना सिर्फ लड़कियां बल्कि लड़के भी, बिकॉज यू आर सच अ स्ट्रांग इंडिपेंडेंट लेडी एंड यू आर सो स्टेबल माशाल्लाह। तो आप अपनी जर्नी के बारे में बताएं, बिकॉज आवर व्यूअर्स आर वेरी इंटरेस्टेड टू नो अबाउट यू, दे आर इंटरेस्टेड टू नो हाउ यू बिकेम व्हाट यू आर टुडे। रिदा, पहली बात बहुत शुक्रिया बुलाने का। आई मीन के टू हैज बीन अ पेरेंट चैनल जहां से मैंने खुद अपना टेलीविजन का आगाज शुरू किया था 10 साल पहले। इट्स बीन 10 ईयर्स इस बात को। मेरी जर्नी बहुत बहुत इंटरेस्टिंग रही है। मैंने शुरू किया जब मैं ए लेवल्स में थी। अच्छा। मैं हमेशा से एक बहुत फोकस्ड किड थी। आई न्यू व्हाट आई वांटेड टू डू इन माय लाइफ। मुझे पता था मैंने क्या अचीव करना है, मैं क्या करना चाहती हूँ। उस वक्त शायद उस जमाने में माँ बाप आपको यू नो सीरियसली ले रहे थे, लेकिन उनको शायद अंदाजा नहीं था कि मैं बिजनेस को परस्यू करना चाहती हूँ, या जो आपकी जो एक स्टैंडर्ड आपकी फील्ड्स होती हैं मैं उनको परस्यू नहीं करना चाहती। लेकिन बहुत इनकरेजमेंट भी थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो वहाँ से मैंने अपना कम्युनिटी बिल्डिंग का आगाज शुरू किया। मुझे बहुत शौक था। एज अ स्टूडेंट मैंने पहले यहाँ से K2 से मैंने टेलीविजन शो होस्ट किया 10 साल पहले। Wow. 2 साल तक। अच्छा। बिल्कुल, इट वॉज अ लाउंज शो और हम कल्चरल और सोशल इश्यूज के ऊपर बात करते थे। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपकी बहन भी आपके साथ होती थी। मेरे साथ मायदा भी होती थी। बिल्कुल, लाउंज शो था एंड K2 से ही था। 2 साल तक वो किया, फिर नेशनल टेलीविजन पे भी किए, करंट अफेयर्स के 2 गेस्ट शोज होस्ट किए। आई गॉट नोटिस्ड बाय अ कपल ऑफ पीपल इन द इंडस्ट्री, इंक्लूडिंग अ लीडिंग जर्नलिस्ट, एंड आई वॉज इन्वाइटेड टू ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी फॉर अ यंग लीडर्स कॉन्फ्रेंस एज अ स्टूडेंट। यस, एंड आई रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान ओवर देयर। मैंने वहां पे एजुकेशन रिफॉर्म्स की बात की जाकर, एंड वहां से मेरे सफर का आगाज हुआ। मैं आई वॉज अ बेस्ट डेलीगेट। मुझे पहली, आई लैंडेड विद द फर्स्ट जॉब, समथिंग दैट इज वेरी डियर टू माई हार्ट, एंड आई लव मार्केटिंग। क्रिएटिव फील्ड से मेरा ताल्लुक है, मुझे शौक है उसका। और फिर मुझे था कि जो लोग हैं जो अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं, मुझे उनकी मदद करनी चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए। तो मैंने अपनी फैमिली एंटरप्राइज जो है वो वुमेन चेंबर में रिप्रेजेंट करनी शुरू की। वहाँ पे उन्होंने मेरा जील, मेरा इंथुजियाज्म देख के मुझे कहा कि आप यूथ फोरम हेड करें। सो आई वॉज हेडिंग द यूथ फोरम। सार्क चेंबर में भी रिप्रेजेंटेशन की। स्लोली एंड ग्रेजुअली थिंग्स स्टार्टेड बिल्डिंग अप। सो आई हैव बीन ऑन द इंटरनेशनल विजिटर्स लीडरशिप प्रोग्राम टू द स्टेट्स। एंटरप्रेन्योरशिप पर काम किया, फाउंडिंग टीम ऑफ द नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर इस्लामाबाद। A lot of things happened, alhamdulillah. So it's been a great journey so far, putting together in a nutshell, and then eventually impact on that. That is amazing. और अभी तक हम देख रहे हैं, there's a lot that you're doing. We're gonna come towards that. हम Google Business Group के बारे में बात करेंगे, और आपका जो current जो आप काम कर रही हैं, Impact Dynamics, you're founder of that. We're gonna talk about that as well. Mahad की तरफ वापस आते हैं। Mahad, आपने YouTube कब start किया? YouTube तो मैंने जब मैं इस फील्ड में आ गया तो तब तो मैंने स्टार्ट नहीं किया था। लेकिन जब मेरे Facebook के पेज पर मैंने 6 मंथ्स में मैंने 8 लाख फॉलोअर्स मैंने गेन किए थे। तो जब मैंने वो चीज़ की तो मैंने सोचा कि अब मेरे YouTube के फॉलोअर्स मतलब ज़्यादा जल्दी से बढ़ जाएंगे। लेकिन जब मैंने अपना YouTube चैनल बनाने की कोशिश की तो उधर ऑलरेडी पहले ही इतने ज़्यादा YouTube चैनल्स थे कि मैं देखकर हैरान हो गया। और मुझे वो चीज़, मैं जिस चीज़ को बनाना चाह रहा था,
तो उसमें मुझे अभी तक इतनी फेम नहीं मिली जितनी उन लोगों को मिली है जिन्होंने फेक YouTube चैनल्स बनाए। अच्छा, तो ये होता है, वक्त भी लगता है एंड देयर इज अ लॉट ऑफ कंपटीशन। YouTube पे बहुत सारी कंपटीशन है, बट इट्स अमेजिंग कि आपने स्टार्ट किया, क्योंकि आप जानते हैं कि आजकल YouTube से लोग अपना करियर बना रहे हैं। इट्स अ ग्रेट करियर अगर आप उसे बनाना चाहें। और जहाँ तक आपकी मोटिवेशनल स्पीकिंग की बात है, तो आपने कौन से फोरम्स पे की हुई है, उसके बारे में थोड़ा बहुत बता। मैं हर तरह के लोगों को मोटिवेट करना हम सबका ही काम है, क्योंकि अगर जो लोग नेक्स्ट जनरेशन जो होगी वो अगर हम लोगों को देखेगी तो हमसे मोटिवेट होगी। तो हमने उनके लिए रोल मॉडल बनना है। और मेरे जहन में यही एक चीज़ थी जो कि मैं आज भी यही चीज़ याद रखता हूँ और मेरे जहन में हमेशा रहेगी कि अपनी जो न्यू जनरेशन जो हमारी है उनको हम लोगों ने ये चीज देनी है, मतलब पाकिस्तान में उन्हें मोटिवेट करना है कि वो भी आगे आए। हर तरह के चीज पे हमें मोटिवेट करना चाहिए। exactly. जैसे कि एक बंदा कहता है एक चीज से हार मान के बैठ जाता है कि मैं ये चीज नहीं कर सकता, तो सबको तो सबसे पहले यही मैसेज है कि कोई चीज भी इम्पॉसिबल नहीं है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। और अगर आपको खुद पर यकीन हो तो फिर तो हम जाहिर सी बात है कुछ नहीं कह सकते। और पूरी दुनिया पड़ी आप लोग को नाना कहने के लिए, मतलब ये चीज आप नहीं कर सकते या इस चीज ये चीज आपके साथ सूट नहीं करती, ये वो। लेकिन अगर बंदे को खुद पर यकीन हो और वो बंदा वो चीज कर सकता है तो बिल्कुल, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। आपकी क्या एज है महज? सॉरी, मेरी 13। 13, माशाल्लाह। आई मीन इट्स अमेजिंग, बहुत अच्छा लगता है जब आप जैसे यू नो यू द फ्यूचर लीडर्स, आप लोग ही तो है हमारा फ्यूचर और आप लोग इतना ज्यादा, मतलब यू गाइस आर डूइंग अमेजिंग माशाल्लाह। तो बहुत शुक्रिया महज कि आपने अपना इनपुट आप दे रहे हैं और आप इतने लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। काश, और हम अभी भी हमारी दुआएं कि आप जैसे और नौजवान आगे आए इसी तरह, इतने मोटिवेटेड रहें और इतने करियर ओरिएंटेड रहें कि हमारे पाकिस्तान के लिए कुछ करें, हमारे इस मुल्क के लिए कुछ करें। अच्छा, तो मरियम अब आप बताएं अपने इस गूगल बिजनेस ग्रुप की जर्नी के बारे में। बिल्कुल। सो गूगल बिजनेस ग्रुप का आगाज 5 साल पहले हुआ था पेशावर में, क्योंकि मुझे हमेशा से जस्तजू थी कि यहाँ पे गूगल की पाकिस्तान में कोई रिप्रेजेंटेशन होगी। और पेशावर एक खत्ता है, एक इलाका है जहाँ पे मुझे लगता है बहुत बहुत आई मीन बहुत निगलेक्ट किया गया है, बहुत बहुत सारे फैक्टर्स हैं उसके पीछे। और मुझे था कि यहाँ पे गूगल की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। तो मैंने खुद गूगल किया एक दिन कि क्या पाकिस्तान में आया कौन है जो गूगल को हेड करा है पाकिस्तान में, या कोई कंसल्टेंट है। तो मुझे पता चला बदर खुशनूद जो है वो पाकिस्तान की कंट्री रिप्रेजेंटेटिव थे गूगल के। दिस इज बैक इन 2013। सो आई एक्चुअली गॉट इन टच विद हिम थ्रू through the internet. Okay. Yes. Media. And through the internet actually. Okay. I found his number and then I reached out to him and मैंने बहुत ढूंढा, लेकिन वही वाली बात कि ढूंढने से आपको खुदा भी मिल जाता है। तो मुझे शौक था, मैंने उनको बुलाया, मैंने उनको कन्विंस किया। आई थिंक उनका सेकेंड विजिट था पेशावर का, मेरे कहने पर वो आए यहाँ पे और हमने एक वर्कशॉप अरेंज की जहाँ पे हमने सोशल मीडिया हैक्स के बारे में बात की। अच्छा, वहाँ पे उन्होंने मेरा जील एंथुजियाज्म नोट किया और उन्होंने कहा मरियम आप क्यों नहीं इसका हिस्सा बनती और आप क्यों नहीं ज्वाइन करती, आप एक पेशावर का चैप्टर शुरू करें। फिर मेरा इंटरव्यू हुआ, सिंगापुर की टीम ने मेरा इंटरव्यू लिया एंड 6 साल हो गए हैं। वी हैव बिल्ड अ कम्युनिटी ऑफ ओवर 2500 इंडिविजुअल्स, मोर देन दैट, जिनको हम ट्रेन करते हैं और एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जो लोग देख भी रहे हैं उनके लिए मैसेज है कि अगर आप गूगल टूल्स और टेक्नोलॉजीज के बारे में सीखना चाहते हैं, मार्केटिंग ऑनलाइन मार्केटिंग कैसे होती है उसके बारे में सीखना चाहते हैं, अपने कारोबार को आगे कैसे लेके जाना है ऑनलाइन उसके बारे में सीखना चाहते हैं, सो वी राइट हेयर फॉर यू एंड इट्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। दैट इज वंडरफुल। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट हैज बीन रैंक्ड एज द टॉप 10 इन द वर्ल्ड। एब्सोल्युटली। सो गूगल बिजनेस ग्रुप पेशावर, दैट्स एन अचीवमेंट, अ बिग थैंक यू सो मच। अल्लाह का शुक्र है, बट आई वुड नॉट टेक ऑल द क्रेडिट, आई वुड गिव इट टू माई टीम एज वेल। सो मैं हूँ, मेरे साथ मायदा हैं, किरण फातिमा हैं, वो वुमेन विल को देख रहे हैं, एक और प्रोजेक्ट है गूगल का। बिल्कुल। तो हम सब मिलके काम करते हैं और हमारी कोर टीम है, उसमें नादिया हैं, आफाक हैं, कुछ और लोग हैं, तो मिलके काम होता है। टीम वर्क इज बेसिकली व्हाट मेक्स इट हैपन। या राइट स्किल्स व्हिच यू हैव प्रोजेक्ट्स में काम किया हुआ, तो मुझे अंदाजा है दैट मरियम इज सच अ वंडरफुल पर्सन टू वर्क विद, इट हैज ऑलवेज बीन अ प्लेजर। तो महद की तरफ आते हैं। महद,
बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि YouTube पे क्या अर्न करना आसान है या नहीं, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अर्न करने के लिए सबसे पहले तो मैं लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को अगर ऐसा अगर आप लोगों को नॉलेज वाली चीज़ें अगर आप लोग देंगे तो जाहिर सी बात है लोग तो आपको फॉलो करेंगे। तो मेरे ख्याल में नॉलेज वाली चीज़ें आप लोगों को दें और कंटेंट ऐसा रखें जो बच्चे भी देखें, जवान भी हो गए जो आजकल के, और बूढ़े वगैरह बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सब देखें। मतलब हम लोग एक ऐसी चीज़ ना करें जो सिर्फ बच्चों के लिए या तो सिर्फ बुजुर्गों के लिए ही हो। हमें कंटेंट ऐसा रखना चाहिए जो सब देख सकें और जिससे सब नॉलेज हासिल कर सकें, तो इस तरह अर्निंग की जा सकती है और कंटेंट जेन्युइन हो। एट टाइम्स होता है ना, आपने नोट किया होगा जिस तरह आप कह रहे हैं कि आपकी वीडियोस भी कॉपी की जाती हैं और चैनल्स पे लगाई जाती हैं, तो ये नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे बहुत सारे लोगों का जो अपना जेन्युइन काम होता है वो समझे कोई और छीन लेता है। तो हमें अपना कंटेंट बनाना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो लोग देख रहे हैं और जो लोग YouTube चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं इनिशियली, लेकिन उनके पास वो पुश नहीं है, मोटिवेशन नहीं है, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? मैं उन्हें यही कहना चाहूँगा कि इसी तरह लोगों को मोटिवेट करते रहा करें। जैसे बता रही थी ब्रेक से पहले कि बहुत सारे पाकिस्तान में ऐसे इदारे हैं जिनको इंक्यूबेशन सेंटर्स कहा जाता है या एक्सेलरेटर्स, उनका काम ये होता है कि जो एक आइडिया है, बिजनेस आइडिया है, जो स्टार्टअप है, उसको इंक्यूबेट करना ताकि वो गो टू मार्केट स्ट्रेटजी, ताकि वो रेडी हो जाए मार्केट के लिए, ताकि वो आगे जाके पैसे कमा सकें, जैसे आप रेवेन्यू भी कहते हैं, रेवेन्यू जनरेट कर सकें और वो प्रॉफिटेबल हों। तो मैंने वहाँ पे, क्योंकि एज अ मेंटर मैं इतने सालों से काम कर रही थी, I've been a mentor for so many startups, कराची में भी, कुछ लाहौर में भी, कुछ इस्लामाबाद में भी, पेशावर में भी। तो मुझे एहसास हुआ कि बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, बहुत सारे इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, लेकिन हर स्टार्टअप की पर्सनालिटी फ़र्क होती है। कोई IoT के ऊपर बेस्ड है, कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कोई नॉन टेक है, कोई फूड एंड न्यूट्रिशन के ऊपर है, कोई आर्किटेक्चर के ऊपर काम करे, एक्सक्यूज मी। सो मेरा इरादा ये था कि क्यों ना हम एक कस्टम डिज़ाइन करें एंटरप्रेन्योरियल कारिकुलम, क्योंकि हर खत्ते की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है, हर एरिया की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है, उसके अलावा हर स्टार्टअप की पर्सनालिटी डिफरेंट होती है, हर इंसान की तरह, तो उनकी भी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो डिफरेंट होती हैं। तो इसलिए हमने इम्पैक्ट डायनामिक्स शुरू किया, जहाँ पर हम कस्टम डिज़ाइन करते हैं एंटरप्रेन्योरियल कारिकुलम और कस्टमाइज करते हैं वर्कशॉप्स, जहाँ पे कॉर्पोरेट्स भी आ जाते हैं, आपके स्टार्टअप्स भी आ जाते हैं, उसकी मार्केट बिल्कुल डिफरेंट है। एंड दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर, क्योंकि ऐसा काम करना चाहिए जो मुख्तलिफ है, थोड़ा हटके है और लोगों की मदद कर रहा है। बेसिकली पुटिंग टुगेदर इन अ नटशेल, हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप पे, एंटरप्राइज और ह्यूमन डेवलपमेंट पे काम करते हैं। एंड यहाँ पे मैं एक बात मेंशन करना चाहूँगी, हमने शुरू किया था एम्पथी एट वर्क प्लेसेस से, ये मैं हमेशा बताती हूँ, बिकॉज एम्पथी जो है का जो एहसास है, इट्स वेरी डियर टू माई हार्ट, आई थिंक हर ऑर्गेनाइजेशन में होनी चाहिए एम्पथी। That I very agree. तो मरियम, जैसे कि आप लोग मेंटरशिप प्रोग्राम्स भी प्रोवाइड करते हैं और आपने ना सिर्फ पेशावर में बल्कि जैसे कि आपने मेंशन किया लाहौर, इस्लामाबाद, यू नो थ्रू आउट पाकिस्तान यू हैव बीन मेंटरिंग स्टार्टअप्स, तो आपको क्या लगता है पेशावर में वेयर आर दे लैगिंग बिहाइंड जब यहाँ के स्टार्टअप्स की बात की जाती है? अच्छा, बहुत अच्छी बात जो पेशावर के स्टार्टअप्स के बारे में है, पहले मैं वो बताना चाहूँगी। जो मुझे कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के स्टार्टअप्स में नज़र नहीं आती, यहाँ पे फ्लफ बहुत कम है। मतलब कि बाकी में जो काम, इसका मतलब ये है कि जो काम कर रहे हैं वो वाकई में कर रहे हैं, वो सिर्फ कह नहीं रहे, वो वाकई में हो रहा है। यहाँ पे एक चीज़ जिसकी बहुत कमी है, कॉन्फिडेंस की कमी है। मुझे लगता है कि यहाँ के जो स्टार्टअप्स हैं, शायद उनको इतना मार्केट एक्सपोजर नहीं है जितना कराची, लाहौर के स्टार्टअप्स को है। दूसरा एक चीज़ जो मैं सजेशन देना चाहूँगी जो स्टार्टअप्स को या जो लोग देख भी रहे हैं, कि अपनी काम, मतलब सलाहियत है, स्टार्टअप शुरू किया है, जाहिर बात है ज़ील भी है, एंथुजियाज़म भी है, लेकिन जिस स्पेस पे काम करना चाहिए उस स्पेस पे काम नहीं हो रहा, या जितने प्रोफेशनली काम करना चाहिए, आई थिंक थोड़ा सा हम यहाँ पे लैक करते हैं इस खत्ते में प्रोफेशनलिज्म के हवाले से। दिन थोड़ा सा लेट शुरू होता है, आई थिंक ये लाहौर में भी होता है, सिर्फ पेशावर में नहीं होता। लाहौर में मुझे ये देखने में काफ़ी नज़र आया था, कराची बहुत प्रोफेशनल, वेरी प्रोफेशनल फॉर दैट मैटर, एंड आई लव कराची फॉर दैट।
तो यहाँ पे स्टार्टअप्स का आई थिंक इंडस्ट्री विजिट्स, इंडस्ट्री एक्सपोजर, इंडस्ट्रियल लिंकेजेस बनाना वो तब तक नहीं हो सकता जब तक आप बाहर ना निकलें। But have you seen any improvement in the past few years? Absolutely. आपको पता है अगर आप सिंध को देखें उनका, आप मुझे बताएं, हैव यू हर्ड ऑफ सिंध इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड? राइट, पंजाब में है, खैबर पख्तूनख्वा में है। खैबर पख्तूनख्वा में KPIT बोर्ड इतना अच्छा काम कर रहा है, गवर्नमेंट इतना अच्छा काम कर रही है। हमारा लिटरेसी रेट आफ्टर GB इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट इन KP एंड हमारी यहाँ पे फोकस जो है तालीम के अलावा टेक्नोलॉजी पे भी काफ़ी ज़्यादा है। तो काफ़ी लिटरेसी प्रोग्राम्स यहाँ पे निकल रहे हैं जो जिनका ताल्लुक या फोकस डिजिटल पे है और पुश कर रहे हैं लोगों को अपने घरों से बाहर निकलने के लिए, ना सिर्फ फ्रीलांसिंग में बल्कि टू स्टार्ट देयर ओन स्टार्टअप्स फॉर दैट मैटर। सो आई सी अ वेरी पॉजिटिव चेंज। या दैट इज अमेजिंग। मरियम, जहां तक लोगों की बात की जाती है, दे लैक फ्यू स्किल्स एज वेल। सॉफ्ट स्किल्स की अगर बात की जाए तो बहुत नोटिस किया जाता है कि यहाँ लोगों के पास नहीं है। कम्युनिकेशन हो गया बेसिक, बहुत ज्यादा आपने जैसे कि अभी मेंशन किया। डू यू थिंक द एजुकेशन सिस्टम हैज समथिंग टू डू विद दैट? आई मीन मैंने साई लिया बिकॉज यस आई थिंक पूरा तालीम का निज़ाम अगर पाकिस्तान की बात की जाए ओवरऑल, क्योंकि मेरा ताल्लुक तालीम के शोबे से भी रहा। मैंने अपना जो करियर का आगाज़ किया था, मैंने आई टॉट मार्केटिंग मैनेजमेंट एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को, अंडरग्रेड को। तो जहाँ तक तालीम की बात की जाए तो मेरे नज़रिए में या जो नज़र आता है, और एक एजुकेशनिस्ट है लाहौर में, आई लव लिसनिंग टू हर, बहुत अच्छी बहुत खूबसूरत बातें करती हैं डॉक्टर आरफा। अगर कभी आपने उनको सुना हो, अगर नहीं सुना तो प्लीज़ ज़रूर सुनिएगा। तालीम के साथ एक लफ्ज़ जुड़ा होता था पहले, तरबियत। तो अब तालीम जो है वो ये कहती हैं कि तालीम सिर्फ कागज़ के एक टुकड़े तक रह गई है। एंड वाकई में ये बात बहुत दुरुस्त है, बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त है। आपको तालीम के साथ सिविक सेंस, तालीम के साथ आपको एथिक्स, तालीम के साथ आपको लैंग्वेज, और लैंग्वेज एक्चुअली तालीम का हिस्सा होता है। एग्जैक्टली, लेकिन उसको बिल्कुल आपने हटा दिया है, यू हैव कट इट आउट फ्रॉम द इक्वेशन। शायद इसलिए बिकॉज हमारा उर्दू को या हमारी कौमी जबान को उस तरह की इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। लेकिन अगर आप देखें द ग्रेटेस्ट पोएट्स, द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट, द ग्रेट आर्टिस्ट ऑफ पाकिस्तान, द ग्रेट टैलेंट ऑफ पाकिस्तान एक्चुअली केम आउट फ्रॉम दी स्मॉल स्कूल्स। टाट के स्कूल से निकले हैं, पब्लिक सेक्टर स्कूल से निकले हैं। एंड आई थिंक एजुकेशन जो है उसको यूनिफॉर्मिटी एजुकेशन में होनी चाहिए। द फेडरल मिनिस्टर इज वर्किंग ऑन दैट, शफकत महमूद इज वर्किंग ऑन दैट। लेट्स सी हाउ वेल इट इज रिसीव्ड, लेकिन फिंगर्स क्रॉस्ड। या वी होपिंग फॉर द बेस्ट इंशाल्लाह। महद, आपको क्या लगता है हमारे एजुकेशन सिस्टम के बारे में, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं एजुकेशन सिस्टम के बारे में ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाना तो बहुत आसान है, लेकिन हम लोग अपने एजुकेशनल सिस्टम को अच्छा ऐसे कर सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई नॉलेज है और वो हम लोग दूसरों तक पहुंचाएं। क्योंकि हम लोग बोलते तो बहुत आसानी से हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद, सब बहुत जोश व खरोश से बोलते हैं। तो ये चीज़ है कि अगर आपको कोई चीज़ आती है तो हम लोग इसको दूसरे बंदे को भी बता सकते हैं, ताकि उस बंदे को भी नॉलेज आए, वो बंदा भी दूसरे बंदे को बताएगा, जिसकी वजह से एजुकेशनल सिस्टम काफ़ी अच्छा हो सकता है। और फिलहाल तो बहुत बेहतर जा रहा है, देख रहे हैं हम लोग। जी, आप कौन सी क्लास में? मैं ग्रेड 7। ग्रेड 7 में आगे फॉर इंस्टेंस, क्योंकि आपके मतलब ये एज ग्रुप के करीब बात मैं करूंगी, यहाँ तक मैट्रिक आपके आने वाला है जी। तो हमने नोट किया है कि हमारे यहाँ बोर्ड सिस्टम के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है कि रट्टा सिस्टम है। आपको उस मतलब पढ़ाई को समझने से ज्यादा ये कहा जाता है कि बस याद रखो, जस्ट यू नो मेमोराइज इट। तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? दैट नीड्स टू चेंज। और अभी सिंस यू ग्रोइंग अप, आप इन ग्रेड से गुजरेंगे तो शायद आप ये एक्सपीरियंस भी करें, सो हाउ वुड यू डील विद इट?
हमें याद भी इसीलिए रखना चाहिए क्योंकि हम लोग तो अपने फ्यूचर के लिए ये चीज़ें भी कर रहे होते हैं, तो उस वक्त के लिए अगर हम लोग याद करते हैं तो ये चीज़ तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि रट्टा सिस्टम जो है वो तो सिर्फ उस वक्त के लिए समझना ज़रूरी होता है, और क्योंकि ये चीज़ें ही आगे जाके बंदे को काम आती हैं। रट्टा सिस्टम तो सिर्फ उसी टाइम के लिए होता है, मतलब अगर आपने उसी टाइम दे दिया उसी टाइम की सिर्फ आपकी थोड़ी देर की खुशी होती है, लेकिन जो आपको आगे काम आना होता है वो आपको सही तरह से नहीं आता। बहुत महत, आप बहुत सारी स्पीचेस भी देते आ रहे हैं, तो अपना कुछ थोड़ा बहुत सुना दें हमें। एक अभी तक जो मैंने स्पीचेस वगैरह की हैं उसमें मुझे एक नज़म बहुत अच्छी लगी है जो मैं आप सबको सुनाना चाहूँगा। मेरे रब की मुझ पर इनायत हुई, कहूँ भी तो कैसे इबादत हुई, हकीकत हुई जैसे मुझ पर आया, कलम बन गया है खुदा की जबां। मेरे रब की मुझ पर इनायत हुई, कहूँ भी तो कैसे इबादत हुई, हकीकत हुई जैसे मुझ पर आया, कलम बन गया है खुदा की जबां। मुखातिब है बंदे से परवरदिगार, मुखातिब है बंदे से परवरदिगार, तू हुस्ने चमन तू ही रंगे बहार, तू मेराज फन तू ही फन का सिंगार, मुसव्विर हूँ मैं तू मेरा शाहकार। मुखातिब है बंदे से परवरदिगार, तू हुस्ने चमन तू ही रंगे बहार, तू मेराज फन तू ही फन का सिंगार, मुसव्विर हूँ मैं तू मेरा शाहकार। ये सुबह ये शामें ये दिन और रात, ये रंगी दिलकश हंसी कायनात, के हूरो मलाई को जिन्नात में किया है तुझे अशरफुल मखलूकात। मेरी अजमतों का हवाला है तू, तू ही रोशनी है उजाला है तू, कि फरिश्तों से सजदा भी करवा दिया, कि तेरे लिए मैंने क्या ना किया। ये दुनिया जहां बज़्म आराइयां, ये महफिल ये मेले ये तन्हाइयां, फलक का तुझे शामियाना दिया, जमीन पर तुझे आबो दाना दिया, मिले आबशारों से भी हौसले, पहाड़ों में तुझको दिए रास्ते, ये पानी हवा और ये शमसो कमर, ये मोजे रवा ये किनारा भंवर, के औलाद भी दिए वालिदैन, अलिफ लाम मीम काफ और ऐन गैन, ये अक्लो जहानत शऊर और नज़र, ये बस्ती ये सहरा ये खुशकी ये तर, और इसके ऊपर किताबे हिदायत भी दी, नबी भी उतारे शरीयत भी दी, गरज के सभी कुछ हैं तेरे लिए, बता क्या किया तूने मेरे लिए। बहुत खूब, बहुत थैंक यू। खुदा ने बेशक आपको इस टैलेंट से नवाजा है, एंड यू आर मेकिंग सच गुड यूज ऑफ इट, माशाल्लाह, अमेजिंग स्पीकिंग स्किल्स, बहुत प्यारा था ये। मरियम, आप अपने कोई भी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं उसके बारे में बताएं, या अपकमिंग कौन से प्रोजेक्ट्स हैं? बिल्कुल, इम्पैक्ट डायनामिक्स के थ्रू जैसे हम दो वर्टिकल्स पे काम करते हैं, कारिकुलम डेवलपमेंट पे काम करते हैं, हमने गवर्नमेंट के साथ काम किया, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के साथ हेल्थ एंड टेक स्टार्टअप्स के ऊपर हमने काम किया फ्रॉम खैबर पख्तूनख्वा, और हमने टेक कैंप्स ऑर्गेनाइज किए थ्रू आउट पाकिस्तान, लाहौर में, इस्लामाबाद में, पेशावर में, फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स इन पर्टिकुलर। जो हमारे करंट प्रोजेक्ट्स हैं उसमें एक तो हम एक इन्वेस्टमेंट रेडिनेस बूट कैंप कर रहे हैं, बल्कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, एनीबडी कैन रजिस्टर। हमारी पार्टनरशिप है, ये I2I एक एक्सेलरेटर है पाकिस्तान में अलॉन्ग विद द वर्ल्ड बैंक, तो उनके साथ हम पार्टनरशिप में करेंगे, जनवरी में इंशाल्लाह ये होगा। तो जितनी भी वो खवातीन के लिए हैं, क्योंकि खवातीन को अक्सर ये इशू पेश आता है कि वो इन्वेस्टमेंट नहीं अपने बिजनेस के लिए रेस कर पाती, उनको नहीं पता होता कि कैसे पैसे रेस करने हैं, दे हैव ये उनके लिए है जिनका ऑलरेडी इस्टेब्लिश स्टार्टअप है, लेकिन अब उनको नहीं पता फेज टू पे कैसे जाना है, आगे पैसे कैसे रेस करने हैं, ताकि या तो वो आया वो पाकिस्तान में एक्सपैंड कर सकें नेशनली, या फिर वो इंटरनेशनल मार्केट्स को टच कर सकें। तो अमेजिंग, यस, सो वी हैव सम इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स कमिंग इन, एंड वी ऑल्सो हैव सम नेशनली सम पीपल हु आर एक्वेंटेड टू द स्टार्टअप इकोसिस्टम, जो उनकी मदद करेंगे। बल्कि टू एनीबडी लिसनिंग, मेरा उनके लिए सबके लिए मैसेज है कि अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, एप्लीकेशन अभी हम दिसंबर में रोल आउट कर देंगे इंशाल्लाह। दैट्स ग्रेट मरियम। मरियम, आप विजुअल स्टोरी टेलिंग के बारे में भी बताएं जो आप लोग कराते आ रहे हैं। बिल्कुल, एक और बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट जी। तो हम जितना भी काम करते हैं रिदा, हम लोग इनसाइड ड्रिवन करते हैं, क्योंकि हम बिलीव करते हैं कि जिस चीज़ की नीड है और वो नीड अगर मार्केट में फुलफिल नहीं हो रही, वी वांट टू स्टेप इनटू दैट एंड वी वांट टू वर्क अलोंग, यू नो, ऑन दैट वर्टिकल। तो हर हर प्रोडक्ट जो है, हर हर एक
जो आप सर्विस या प्रोडक्ट लेते हैं उसके पीछे कहानी होती है. आप प्रोडक्ट इसलिए नहीं खरीदते क्योंकि आपको सिर्फ उसकी ज़रूरत होती है, लेकिन इसलिए भी क्योंकि वो आपके साथ रेजोनेट करता है, आपकी पर्सनालिटी के साथ या जो आप चाहते हैं जिंदगी से उसके साथ. तो हर चीज़ के पीछे कहानी होती है. तो हम एक विजुअल स्टोरी टेलिंग बूट कैंप करते हैं जिसका नाम फिल्म लैब है, ताकि जितने ब्रांड्स हैं, चाहे आपका एक स्टार्टअप है जो एक्सेलरेशन फेज में है और उनको अब विजिबिलिटी की ज़रूरत है, या फिर कोई कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन है, उनको विजिबिलिटी ऑलरेडी उनकी है मार्केट में, लेकिन वो अपना नैरेटिव जो है वो अपने ब्रांड के अराउंड वो उसको रीबिल्ड करना चाहते हैं, वी हेल्प देम टेक अ स्टेप बैक, वो एक पीछे कदम लें और वो देखें और रीवैल्यूएट करें कि क्या हमारी कहानी हमारे कस्टमर के साथ, और कस्टमर को कस्टमर ना समझें. इट्स अ ह्यूमन बॉन्ड दैट यू हैव टू फॉर्म. आपने एक रिश्ता रखना है, आपने एक रिलेशनशिप फॉर्म करना है. अगर आपने वो रिलेशनशिप फॉर्म कर लिया तो आप कामयाब होंगे. तो वो हमने कराया है इस्लामाबाद में, हमने लाहौर में कराया. इंशाल्लाह कोविड आई होप के जितनी जल्दी ख़त्म हो सकता है, ये जो रिसर्च है ये ख़त्म हो, तो हमने कराची में भी कराना है. एंड हमारे पास पाकिस्तान से और बाहर से डायरेक्टर्स हैं इसमें, ब्रांड स्ट्रेटजिस्ट हैं जो आपको ब्रांडिंग में हेल्प करते हैं, सोशल मीडिया ब्रांडिंग में, स्पेशली इंस्टाग्राम, क्योंकि इंस्टाग्राम इज़ ऑल अबाउट विजुअल्स. उसमें IGTV आ जाता है, IG स्टोरीज आ जाता है, YouTube, जैसे आप काम कर रहे हो YouTube पे, राइट, तो उसका भी है. तो वी हैव इट्स अ होलसम पैकेज, जहाँ पे डे वन पे सलमत खुसर ने इस्लामाबाद में शुरू किया था कि कैसे आपने अपनी कहानी में आपने अपनी कहानी वाला बनना है और आपने एक टूरिस्ट या सयाह नहीं बनना अपनी कहानी में. हम उससे शुरू करते हैं ताकि जो ब्रांड्स हैं वो विजुलाइज कर सकें, और आखिरी दिन पे दे एक्चुअली हैव रीब्रांडेड द प्रोडक्ट और सर्विस. Oh wow, yeah, I mean, yeah, that's amazing. It's a journey. It's absolutely amazing. It's incredible. Thank you. तो मरियम, आपने कम्युनिटी बिल्डिंग के बारे में भी दो बार जिक्र किया कि आप पिछले 9 सालों से कर रही हैं. 9 साल से कर रही हैं. आपको क्या लगता है क्या नीड है उसकी हमारी सोसाइटी में, इंपॉर्टेंस बताएं कम्युनिटी बिल्डिंग का. सो कम्युनिटी बिल्डिंग का पहले मैं कॉन्सेप्ट थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ, और मुझे इंस्पिरेशन कहाँ से मिली. मुझे इंस्पिरेशन मेरे दादा अबू से मिली. अच्छा. बिल्कुल. मेरे दादा अबू पेशावर के, ही इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्रैक्टिशनर्स, अल्लाह उनको जिंदगी दे, हयात रखे. उन्होंने, अब वो प्रैक्टिस नहीं करते, लेकिन जब मैं बचपन में क्लिनिक जाती थी, बहुत बहुत गरीब तबका उनके पास आता था क्योंकि वो बहुत कम फी चार्ज करते थे. तो उनका इरादा ही ये था कि उन ऐसे लोगों की हेल्प कर सकें. तो मैंने कम्युनिटी बिल्डिंग वहाँ से सीखी, जब उनके पास पेशेंट्स आते थे बॉर्डर क्रॉस करके, जलालाबाद से, काबुल से, समटाइम्स एज फार एज क्विटा, और भरा होता था क्लिनिक, चलने की जगह नहीं होती. अच्छा. थी बिल्कुल. तो उन्होंने तो अपने प्रोफेशन में एज अ डॉक्टर कम्युनिटी बिल्डिंग की. उसी चीज़ को मैंने अडॉप्ट किया क्योंकि लाइफ इज ऑल अबाउट गिविंग बैक टू द कम्युनिटी, टू द पीपल. आपकी जिंदगी का कोई मकसद होना चाहिए, उसके बगैर जिंदगी फीकी है, बेरंग है मेरे नज़दीक. तो वहाँ से मैंने वो कॉन्सेप्ट अडॉप्ट किया, दादा बू से इंस्पिरेशन ली, और फिर मैंने कम्युनिटी बिल्डिंग अपने प्रोफेशन में इनकॉर्पोरेट की. तो राइट, आई थिंक व्हेन आई स्टार्टेड यूनिवर्सिटी, मैंने तब से इस तरह के प्रोजेक्ट्स करने शुरू किए हैं, छोटे स्केल पे. कभी फ्लड इफेक्टिव के लिए कुछ किया, कभी कुछ और किया. आई वुडन्ट वांट टू टॉक अबाउट दैट ऑन टेलीविजन, इट्स पर्सनल. लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वो मेरे काम में ट्रांसलेट होता गया. तो गूगल बिजनेस ग्रुप के थ्रू भी, क्योंकि वहाँ पे हम लोगों को टेक्नोलॉजी टूल्स सिखा रहे हैं लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं. कम्युनिटी बिल्डिंग वहाँ से हुई, थ्रू द चेंबर ऑफ कॉमर्स हुई. फिर मैंने गर्ल्स गाइड को भी ज्वाइन किया, आई वॉज वन ऑफ द गर्ल्स स्काउट्स, तो वहाँ से भी हुई. एंड सो मरियम, यू हैव ऑलवेज स्पेंड सच अ प्रोडक्टिव टाइम. Was it because you were surrounded by such people, or was it just you as a person, like वो नहीं होता अंदर से बंदर का होता है कि मैंने ऐसा ही रहना है. होता है ना, इन्फ्लुएंस होता है लोगों का. आप बताएं, बिकॉज आपके एज के, और या आजकल अगर हम देते हैं नौजवान, यू डू नो कि इतना नहीं होता उनमें, इतना वक्त भी दे आर मोस्टली इंजॉइंग देयर टाइम. आई डोंट गेट टू सी इतना प्रोडक्टिवली वक्त गुजारा जाए. तो it's amazing to see people like you. Rida, that's very kind of you. I'm humbled truly. Lekin aapko main bahut interesting baat batana chahti hu, the power of manifestation, and I strongly believe in that. And I strongly believe in the power of dua. I think dua jo hai, it has a huge impact and effect. Log soch rahe honge ki is baat ka kya taluk hai show mein, lekin waqai mein bahut gehra taluk hai.
तो जब आप एक चीज वाकई में साउंड्स क्लीशे सच्चे दिल से चाहते हैं, यू अट्रैक्ट द राइट एलिमेंट्स, बिकॉज हम सब इंसान एनर्जी से बने हुए हैं और हम एनर्जी अट्रैक्ट करते हैं. जब हमारी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ कुछ लोगों के साथ मैच होती है तो हम उनके साथ रेजोनेट कर सकते हैं. तो आप अपना ट्राइब बनाते हैं और आपका ट्राइब ऑटोमेटिकली बनता जाता है. आहिस्ता आहिस्ता आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग आएंगे, आपकी नीयत खालिस है, आपकी नीयत साफ है, अच्छा काम करना चाहते हैं, चाहे आप पेशावर में हैं या आप लंडी कोतल में हैं, आप क्वेटा में हैं, exactly. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. आप किसी छोटे शहर में हैं, इट्स अ पावर ऑफ थॉट्स बेसिकली. एब्सोल्युटली इट इज अ पावर ऑफ थॉट्स एंड ऑल्सो योर एनर्जी, राइट? आपने पॉजिटिव रहना है एंड यू हैव टू सेट योर आईज ऑन द गोल. आपको हर किस्म के लोग मिलेंगे. मुझे जिंदगी में बहुत अच्छे लोग भी मिले, बहुत बुरे लोग भी मिले, लेकिन आप बुरे लोगों से भी इंस्पिरेशन ले सकते हैं. आप सीखते हैं उनसे. एब्सोल्युटली. आई मीन दे कम इन योर लाइफ फॉर अ रीजन. यू लर्न. एब्सोल्युटली. यू लर्न. यू लर्न. बहुत अच्छा लगा मरियम आपसे बात करके और आपसे भी बात करके महक. तो अब चलते हैं हमारे जो आखिरी सेगमेंट है रैपिड फायर, हम उसकी तरफ चलते हैं. आई एम एक्साइटेड. ओके, लेट्स गो. मेरा पहला सवाल जो है महक आपसे है, बल्कि मैं सेम ही सवाल करूंगी आप दोनों से. कोई एडवाइस जो आपको लाइफ में किसी ने दी हो, विच यू कैन नेवर फॉरगेट? मुझे एक एडवाइस जो मेरे पेरेंट्स ने मुझे दी थी वो ये है कि सॉरी माय मदर इज कॉलिंग मी, शी इज प्रोबब्ली नॉट वॉचिंग माई शो राइट नाउ. अच्छा, तो मेरे एक पेरेंट्स ने मुझे एक एडवाइस दी थी जो कि मैं अगर मैं भूलना भी चाहूँ तो मैं नहीं भूल सकता. वो ये है कि बंदे को हर एक चीज़ जिंदगी में अपनी मिल जाती है, लेकिन सबसे पहले मुझे उन्होंने मुझे ये कहा था कि तुम्हें अच्छा इंसान बनना है. तो उन्होंने कहा था हर एक चीज़ आने जाने वाली चीज़ है, लेकिन सबसे पहले तुमने अच्छा इंसान बनना है और लोगों को अपने इस अच्छे इंसान होने की वजह से उनको भी मोटिवेट करना. दैट्स ब्यूटीफुल. बेटा इन फुल ऑनेस्टी मुझे एडवाइस तो फिलहाल कोई, क्योंकि आई थिंक हर रोज ही एडवाइस मिल रही होती है. हाँ, पेरेंट्स से, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, मेरी नानी से या दादा बाबू से, जब भी उनसे बात होती है, नानी से क्योंकि वो यहाँ नहीं होती. लेकिन एक कोट है जो फौरन मेरे माइंड में आया और इट रियली डिड हिट मी. मैंने 3 साल पहले पढ़ा था एंड फिर मेरे कुलीग हैं NIC इस्लामाबाद में, मेरे बॉस भी थे, ही इज ऑल्सो माई मेंटर ऑफ वेज, उन्होंने जिक्र किया था कि योर डार्लिंग्स. मतलब अपने आइडिया से इतना इश्क, इतना प्यार ना कर लें कि आप उसको चेंज ना करना चाहें फॉर द बेटर. एंड आई थिंक हम जिंदगी के हर पहलू में अडॉप्ट कर सकते हैं बिसाइड्स रनिंग योर ओन कंपनी और योर स्टार्टअप. ओह वाओ, दैट्स ब्यूटीफुल. नेम वन सोशल इशू दैट यू विश डिड नॉट एग्जिस्ट. एटॉमिक वॉर. एटॉमिक वॉर. जी, क्योंकि अगर ये चीज़ होती तो जानी और माली नुकसान बहुत ज़्यादा होता है और जिसकी वजह से डिस्टर्ब रहता है सब कुछ. और सोशल इश्यूज़ हैं, बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं. आई थिंक मैं किसी एक सोशल इशू के बारे में बात नहीं करना चाहती क्योंकि बहुत सारे हैं जैसे मैंने बताया, लेकिन एक चीज़ है जिसकी हम में काफ़ी हद तक कमी है. इट्स नॉट अ सोशल इशू, इट्स अ सोसाइटल इशू. वो है ह्यूमैनिटी. आर वी इवन ह्यूमंस टू बिगिन विद? क्या हम वाकई में इंसान हैं? तो और अगर आप सोशल इशू की इसी से रिलेशन में बात करना चाहती हैं तो मेरे घर में मेरे पास एक बिल्ली है और मुझे एनिमल्स से बहुत प्यार है. अगर बिल्ली ना भी होती तब भी बहुत प्यार है. एंड आई थिंक जिस तरह डॉग्स को स्किन किया जाता है या पाकिस्तान में मार दिया जाता है और जैसे बिल्लियों का ख्याल नहीं रखा जाता, और काफी लोग सुन रहे होंगे तो कह रहे होंगे कि इंसानों का ख्याल नहीं रखा जाता, तो जानवरों की क्यों बात की जा रही है? बहुत बार सुनने को मिलता है जी. तो किसी ने तो करना है. इंसानों का भी ख्याल अपनी कैपेसिटी में जितना हम रख सकते हैं रखना चाहिए. आई थिंक ये खिदमत खल्क का एक मौका है कि हम शेल्टर होम्स बनाएं इंसानों के लिए और जानवरों के लिए भी ऐसी पनाहगाह बनाएं जहां पे उनको रखा जा सके और अडॉप्ट किया जा सके. डेफिनेटली. बहुत शुक्रिया मरियम फॉर योर इनपुट. और आपका भी बहुत अच्छा लगा आप दोनों को कि आप लोग यहां आए इस शो में आप दोनों से बातचीत करके. और आप सबको भी बहुत शुक्रिया जो लोग देख रहे हैं. आई होप आप लोगों ने एपिसोड इन्जॉय किया होगा. अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा. आप सबसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते. खुदा हाफिज़. We'll be right back.